जो भी लोकगीत हमारी माता बहनें गाती हैं उनको विजुअल आर्ट में प्रेजेंट करके ये फॉर्म हमने डेवलप की है। उस गाने के बोल समझाएं, उसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ बहुत तेज है और वो ये भी बताते हैं कि उसने उनका लड़का अपने सास का लड़का अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ ज्योति यादव। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हम फिर से पहुंच चुके हैं और आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे आप काफी ज्यादा रिलेट करेंगे और ये डांस आप पहले भी देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, क्योंकि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का खास नृत्य है जिसका नाम गुजरी है। हम यहाँ से जा रहे थे और जस्ट अभी इसी स्टेज पर इनका डांस खत्म हुआ है और इस डांस को देखने के बाद कोई भी एक मिनट के लिए जरूर रुक जाएगा। ये डांस क्या है, कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी खासियत क्या है और इन आर्टिस्ट के बारे में भी जानेंगे, उनसे बात करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश टाइम्स में। अपने बारे में बताएं, आपने इनका डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है, इस नृत्य के बारे में बताएं क्या विधाएं। मैम ये हमारे दिल्ली NCR प्रमुख है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो खड़ी बोली के जो गीत होते हैं उनको जो हमारी माँ बहनें बेटी या जो ताई वगैरह पूर्वज जो गाते रहे हैं उन गीतों को हमने एक विजुअल फॉर्म दिया है, उसको हम गुजरी डांस बोलते हैं। तो ये दिल्ली NCR का सर्किल, आप रेडियस दिल्ली NCR का लगा लो तो 200 किलोमीटर के सर्किल को ये प्रमुखतः ये विधा हमारी जानी जाती है और इसका मेन हम स्ट्रीम इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश है। तो इसमें जी ये विधा हम इस विधा पर काम कर रहे हैं। इसका आर्ट फॉर्म का नाम है गुजरी नृत्य। जो भी लोकगीत हमारी माता बहनें गाती हैं उनको विजुअल आर्ट में प्रेजेंट करके ये फॉर्म हमने डेवलप की है और ये मिनिस्ट्री हमारी जो उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग है उसमें इंट्रोड्यूस भी करा दिया गया है, क्योंकि अभी तक बहुत सी जगह मैंने देखा था कि इस विधा को मान्यता नहीं दे रहे थे, कि इसको मान ही नहीं रहे थे कि डांस फॉर्म आर्ट फॉर्म है, पर हमने अपना ये प्रपोजल दिया और सब चीज़ें देखी विभाग ने भी तो इस चीज़ को समझे वो, हाँ ये इनकी विजुअल आर्ट फॉर्म है और इसको रिवाइव करने का मैं अपने संस्कृति निदेशालय संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव साहब सबको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि इन्होंने इस आर्ट फॉर्म को समझा और एटलीस्ट इसको अपने यहाँ दर्ज कराया। ऑफिशियल हम दर्ज हुए यूपी गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम दर्ज हुए। इस आर्ट फॉर्म का प्रॉपर जो नाम है गुजरी नृत्य, गुजरी नृत्य ये फॉर्म। अच्छा, कई सारे लोगों को ये लगता है कि क्योंकि इसका नाम गुजरी नृत्य है तो लोगों को लगता है कि ये गुजर समुदाय से ताल्लुक रखता है और हरियाणा से है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो गुजरी नृत्य जो हमारे दिल्ली NCR है, अब दिल्ली NCR में क्या होता है कि हम यहाँ खड़े हैं, जमुना जी के इस साइड खड़े हैं, जमुना जी के उस साइड हरियाणा लग जाता है, तो कल्चर तो अभी आपका सेम रहेगा। अब उसमें बहुत से लोग इनको खींचने की कोशिश करते, नहीं ये हरियाणा की आर्ट फॉर्म है, पर ये हरियाणा और ये आपका जो मैंने बताया ना दिल्ली NCR का जो पार्ट है ये सब खड़ी बोली का क्षेत्र है, तो खड़ी बोली के जो लोकगीत विजुअल फॉर्म में हमने प्रेजेंट किए उसको हम गुजरी नृत्य कहते हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता इसको आप हरियाणा में समाहित कर देंगे कि नहीं हरियाणवी डांस हो गए, नहीं, जो उत्तर प्रदेश के और प्रमुखतः पश्चिम प्रदेश के खड़ी बोली के लोकगीत हैं उनको विजुअल फॉर्म में जो हम प्रेजेंट करते हैं उसको गुजरी नृत्य कहते हैं। आर्टिस्ट जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको, इतना बड़ा मंच मिला है आप सभी को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम नेहा है। आप कब से ये कर रही हैं? मैं ये 7th class से कर रही हूँ। और आपने कहाँ कहाँ सीखा, सर से ही आपने सीखा? हाँ। सर से कब जुड़े? सब सर से, सर मतलब मैं तो दीदी के थ्रू सर को जानती हूँ। 3-4 साल के आसपास हो? 3-4 साल हमें हो गए हैं और सर के साथ हम इवेंट करते हैं, हमें 3-4 साल इवेंट करते हुए हो गए हैं। बाकी थोड़ा बहुत हमने कॉलेज वगैरह से सीखा है, बट गुजरी नृत्य के बारे में हमें समझाया जो है, जो प्रॉपर होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो हमें सर ने बताया है सारा। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप यूपी की हैं या NCR कहाँ? मैं ही NCR से हूँ। डांस के बारे में तो हमने बात की, लेकिन इस डांस को करते हुए जिस गाने पर ये डांस कर रही हैं उस गाने के बारे में भी आपको ज़रूर जानने की ज़रूरत है और आप ज़रूर जानना चाहेंगे। अगर आपको ये गाना पूरा समझ में नहीं आया है तो मुझे लगता है कि जो लोग NCR और हरियाणा बिलोंग करते हैं उन्हें ये गाना समझ में आएगा, पर जो लोग बाहर के हैं, बहुत सारे दर्शक हैं जो यहाँ के नहीं होंगे, जैसे मुझे नहीं समझ में आया कि ये गाने में क्या कहा जा रहा है, आप उस गाने के बोल समझाएं, उसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रही है। इतना तो समझ में आया कि जो बहू है वो पूरी चेतावनी, हाँ चेतावनी दे रही है, धमकी दे रही है कि भाई सुधर जाओ, ऐसा कुछ है। इसमें जो बोल है मेन, वो मेन बोल है जोगनिया बन के निकल जाऊंगी। इसमें क्या है, पहले के टाइम पे अभी तो खैर ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती है सास बहू में, पहले नोक झोंक चलती थी जिसमें क्या होता था कि सास कभी बहू को बोल रही है और बहू कभी सास को बोल रही है, लेकिन यहाँ बहू तेज है, वो बहू ये बोल रही है कि मैं जोगनिया का मतलब है एक छलबली लड़की,
जिसको किसी का डर नहीं होता वो निकलने के लिए बोलती है, वो ये बोलती है कि मैं जोगनिया बनके निकल जाऊंगी तेरे यहाँ से। और वो ये भी बताती है कि उसने उनका लड़का अपनी सास का लड़का अपनी मुट्ठी में किया हुआ है, वो इसलिए एक एक कड़ी में बताती है कि मैं कभी उसे लड्डू मंगवाऊंगी, कभी मैं उसे बर्फी मंगवाऊंगी, कभी मैं उसे ओढ़ना, जैसे अपने ओढ़ने को ये चुन्नी को ओढ़ना बोलते हैं, तो वो उसमें बोलती है कि मैं तेरे लड़के से चुन्नी मंगवाऊंगी, घड़ी मंगवाऊंगी, वो सब काम पूरा करेगी अपना लड़के से मंगवा के, और सास उसको मना कर देगी मैं ये होने नहीं दूंगी। इसलिए वो इस गीत इस तरह के गीत को गाकर मस्ती करती है, अपनी सास को छेड़ती भी है और अपनी डिमांडें भी रखती है। बट ये है सिर्फ और सिर्फ एक खुशहाली वाला गीत, उसमें हम थोड़ी सी नोकझोंक दिखाते हैं अपने गुजरी डांस में, सारा ये सारा पार्ट है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा डांस है और इसमें बस डिमांडें हैं, वो अपनी सब डिमांड पूरी करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की तमाम बड़ी खबर के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।